अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलते रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विथ आर्ट में। आज हम बना रहे हैं मोमोज के लिए चटनी। ये बहुत ही ईजिली बन जाती है और हम इसे सिर्फ मोमोज के साथ ही नहीं बल्कि पिज्जा सॉस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, शेजवान सॉस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हमें मोमोज की चटनी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। मोमोज की चटनी बनाने के लिए देखिए, ये मैंने टमाटर लिया है, ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है थोड़े बड़े पीसेस में। इसी के साथ मैंने लाल सूखी मिर्च ली है, ये मैंने 10 से 12 लाल सूखी मिर्च ली है। थोड़ा सा ऑयल हम यहाँ यूज़ करेंगे, सोयाबीन ऑयल। नमक हम स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे, आधा छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, आधा छोटा चम्मच विनेगर, एक छोटा चम्मच मैंने टमाटो सॉस लिया है। इसी के साथ देखिए, ये हमने आधा छोटा चम्मच सोया सॉस लिया है, आधा छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, एक छोटे प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं मोमोज की स्पाइसी चटनी। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसको मैंने गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर देते हैं। हम इस पैन में करीब 1 कप पानी डालेंगे, रफली चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे, सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे। गैस हमारी फुल फ्लेम पर है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे पानी में और इसको कवर करके हम इसको अच्छा सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटरों को चेक करते हैं। देखिए कितने बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं ये, और जो हमने ये सूखी हुई लाल मिर्च ली थी ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक वेट करते हैं। देखिए हमारी टमाटर और मिर्ची रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में निकाल कर इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए ये हमने टमाटर और मिर्ची का पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने सेम पैन लिया है, इसको मैंने गैस पे रखा हुआ है, गैस ऑन कर देते हैं। पैन थोड़ा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सोयाबीन ऑयल ऐड करेंगे। करीब 1 बड़ा चम्मच ऑयल हमने यहाँ यूज़ किया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सबसे पहले बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए हम इन दोनों को सॉटे करेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इस प्याज को हम लाइट पिंक होने तक अच्छे से सॉटे करेंगे। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसमें, बस हमको हल्का सा इसे सॉटे करना है। देखिए ये बहुत अच्छे से सॉटे हो चुके हैं। अब जो हमने लाल मिर्ची और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बहुत अच्छे से हम इस पेस्ट को मसाले में मिक्स करेंगे। हम इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे, टमाटो सॉस, नमक डालेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखें कि सोया सॉस में भी नमक है और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नमक यूज़ नहीं करना है, थोड़ा कम ही डालें नमक। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम इसे करीब 1 मिनट तक पकने देंगे मीडियम लो फ्लेम पर। 1 मिनट हो चुका है, हमारी चटनी बिल्कुल बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम इस चटनी को सर्व करते हैं। देखिए हमारी स्पाइसी मोमोज की चटनी बनकर तैयार है। आप इसे मोमोज के साथ सर्व कीजिए। आप चाहें तो इसे पिज़्ज़ा सॉस की तरह भी यूज़ कर सकती हैं या फिर शेज़वान सॉस की तरह भी इसे यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही इजीली और बहुत जल्दी बन जाती है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और हमने इसमें विनेगर ऐड करा है तो इसकी शेल्फ लाइफ भी 10 से 15 दिन तक है, यानी कि ये रेफ्रिजरेटर में 10 से 15 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में ख़राब नहीं होगी। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।